ये एक्टर जब बॉलीवुड में आए तो ओवरनाइट स्टार बने, लेकिन स्टारडम को संभाल नहीं पाए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, नन अदर देन संजय दत्त की। संजय दत्त बेशक आज बहुत ही सटल्ड इंसान है, बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, लेकिन वो जब नए नए बॉलीवुड में आए थे तो उनकी ड्रग्स की आदत और उनकी अफेयर्स के कारण वो काफ़ी चर्चों में रहे थे। और एक बार तो संजय दत्त ने ऐसा पागलपन किया कि उन्होंने फायरिंग ही कर ली। रॉकी फिल्म और उस टाइम के कई ऐसे किस्से हैं जब संजय दत्त कहीं ना कहीं किसी न किसी से उलझे हैं। और एक बार तो संजय दत्त ने इतना पागलपन किया कि उन्होंने उस पागलपन में फायरिंग कर दी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताऊंगी कि कब संजय दत्त ने इस तरह का पागलपन किया, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और फिर कैसे उनकी फायरिंग के कारण पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो गई। ये बात है रॉकी फिल्म के टाइम की। इस फिल्म के दौरान ही संजय दत्त इस फिल्म में अपनी को एक्ट्रेस यानी कि टीना मुनीम के प्यार में पागल हो गए थे। संजय दत्त के अफेयर के चर्चे तब आम थे। संजय दत्त टीना मुनीम को बेहद प्यार करते थे, लेकिन टीना के साथ साथ उन्हें एक और चीज से प्यार था, ड्रग्स से, नशे से। और उनके नशे की ही ये आदत थी जिससे टीना मुनीम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने संजय के साथ ब्रेकअप कर लिया। टीना मुनीम संजय को छोड़ने के बाद मूव ऑन कर गई थी, वो अपनी फिल्में कर रही थी। वहीं अगर बात करें संजय दत्त की तो वो ना नशा छोड़ पा रहे थे ना ही टीना को भुला पा रहे थे। उसी दौरान संजय दत्त एक दिन अपने दोस्त कुमार गौरव को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने गए। जिस दिन वो एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने गए उस दिन उन्हें उस एयरपोर्ट पर एक फिल्म का क्रू मिला। ये क्रू सिंगापुर से लौट रहा था फिल्म सौतन की शूटिंग खत्म करके। इसी फिल्म में टीना मुनीम भी एक्ट कर रही थी और इसी फिल्म की शूटिंग के लिए टीना मुनीम भी सिंगापुर गई हुई थी। जब क्रू के मेंबर्स से संजय दत्त ने टीना मुनीम के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तब उन्हें पता चला कि टीना मुनीम वापस इंडिया लौटी ही नहीं, वो तो सिंगापुर में ही रुक गई है। इस बात से संजय दत्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो अभी भी टीना मुनीम को अपनी गर्लफ्रेंड ही मानते थे, वो उन्हें भुला नहीं पा रहे थे। और उन्हें इस बात से गुस्सा था कि टीना मुनीम सिंगापुर से इंडिया नहीं आई है और ये बात उन्होंने संजय दत्त को क्यों नहीं बताई। क्योंकि संजय बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो टीना को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसी कारण वहीं पर उनका इमोशन बाहर आ गया और वो कहने लगे कि मैं उससे इतना प्यार करता हूं, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। यानी कि यहीं से संजय दत्त का नर्वस ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। इसके बाद जब वो घर गए तो उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक्चुअली उस टाइम सुनील दत्त साहब US गए हुए थे अपनी फिल्म की शूट के लिए और वो अपने साथ अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर गए थे। यानी कि उस दिन संजय दत्त घर पर अकेले थे। इधर टीना मुनीम से ब्रेकअप हुआ था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि अब टीना मुनीम उन्हें इग्नोर करने लग गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संजय दत्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं, या उन्हें संजय दत्त का हालचाल पूछना चाहिए। इन सब बातों ने और इस इंसिडेंट ने संजय दत्त के दिल में इतनी ज्यादा गहराई कर दी कि उस दिन उन्होंने लगातार शराब पी। उसी रात संजय दत्त की सोसाइटी में 3 फायर की तेज आवाज आती है और ये आवाज इतनी तेज होती है कि सभी पड़ोसी जाग जाते हैं और वो लोग झांक कर देखते हैं। जब सब झांक कर देखते हैं तो पता लगता है कि संजय दत्त पूरी सोसाइटी में इधर से उधर घूम रहे हैं पागलों की तरह। उनके हाथ में एक 22 बोर की राइफल है और शायद उसी से उन्होंने फायर शॉट्स किए थे जिस कारण ये आवाज आई थी। ये फायर शॉट्स जाकर लगे थे संजय दत्त के घर की खिड़की पे और एक शॉट से उन्हीं की कार की विंडस्क्रीन टूट गई। फायर शॉट की आवाज के बाद संजय दत्त को सोसाइटी के कंपाउंड में इस तरह घूमता देख सभी पड़ोसी नीचे संजय दत्त के पास आए उन्हें संभालने के लिए। सभी लोगों को देखते हुए संजय दत्त घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आया वो क्या करे। तभी उनकी बाउंड्री पर लगा फेंसिंग वायर, जो कांटे वाला वायर होता है, वो वायर संजय दत्त ने पकड़ा और वो वायर उन्होंने इतना जोर से पकड़ा कि उसका कांटा संजय दत्त के हाथ में छुप गया और उसी टाइम उनके हाथ से खून निकलने लग गया। क्योंकि संजय दत्त नशे की हालत में थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तभी उन लोगों के सामने संजय दत्त ने तमाशा करना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लग गए और लोगों को कहने लग गए कि तुम्हें क्या लगता है, मैं पागल हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, मैं ड्रग्स छोड़ चुका हूँ। संजय दत्त की ये हालत
सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो टीना मुनीम से अलग हो चुके थे और टीना ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और उस टाइम वहां पर उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था। जैसे तैसे पड़ोसियों ने संजय दत्त को संभाला और उन्हें उनके घर पहुंचाया। वेल, संजय दत्त की लाइफ से जुड़ा यह किस्सा इतना आम नहीं है, लेकिन उन पर लिखी गई एक बुक में इस किस्से का जिक्र जरूर किया गया है। वो संजय दत्त जो एक बार ब्रेकअप के कारण इस तरह पागल हो रहे थे, आज मान्यता के साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे हैं और ये मैच्योरिटी उनमें तभी आई जब उन्होंने इतना बुरा ब्रेकअप देखा। वेल, कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।